मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश गया के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के दलित आदिवासियों, पिछड़े, अति पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, शोषण एवं जन विरोधी कार्यों एवं नीतियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया। गया के गांधी मैदान गेट नंबर 5 पर धरना प्रदर्शन किया गया। ये जो हम बहुजन उपेक्षित रहे हैं, उस उद्देश्य को उपेक्षित रहने के कारण हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए। हम वर्तमान सरकार जो राज्य में चल रही है, गठबंधन सरकार और केंद्र में, उनके हम सचेत करना चाहते हैं कि अब वो दिन नहीं रहा जो बहुजन उपेक्षित रहते रहेगा। यहाँ नारी उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार को, दमन को बंद करें, अन्यथा नहीं तो हम यहाँ रोड पर उतरेंगे। आगे की क्या तैयारी रहेगी आपकी, अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो? जी बिल्कुल मानेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भारत का तीसरा नंबर पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। हम माननीय बहन जी का दिशा निर्देश से चलती है, इसमें कोई अभद्र बातें नहीं होती है, इसलिए सरकार इनकी बात को, हमारी पार्टी की बात को बखूबी से सुनती है। क्या सर 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला, उसको मैं या एनडीए के साथ देखना, इंडिया के साथ नहीं देखना? मैं बहुजन समाज का नारा दिया हूं और बहुजन समाज जो है 85 का है। मैं संकल्पित लिया हूं कि जब भी मेरा सरकार बना है, इंडिविजुअल बना है। जब मैं खुद प्रधानमंत्री के दावादार हूं तो मैं एनडीए में क्यों जाऊंगा? यहां की तैयारी कैसी रहेगी लोकसभा? तैयारी मुझे बूथ तक है, मेरी कमेटी बहुजन समाज पार्टी बूथ तक काम करती है, इसलिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। 2024 में हमारा बहुजन समाज पार्टी का सुश्री बहन मायावती जी का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प है। परिचय अपना। मैं जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, डॉक्टर श्री बच्चन दास। सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना यही चाहूँगा कि हम लोगों ने आज जो धरना प्रदर्शन किया है वह जनहित में किया है, जन भावनाओं को ठेस पहुँच रही है, अत्याचार हो रहे हैं यहाँ पर, शिक्षा बहुत ज़्यादा दूषित हो गई है, वातावरण भी हमारे अनुकूल तो कभी रही ही नहीं है। हम अनुसूचित जाति के लोगों के बनिस्पत तो हम लोग जन विरोधी जो इनके कार्यक्रम हैं सरकार के, उनके विरोध में और संविधान के तहत ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए संवैधानिक रूप से ये काम करें, इसी बात को हम लोग इनके तक पहुंचाने के लिए करना पड़ेगा। ये मैं नंद किशोर प्रसाद, जिला प्रभारी, गया। अभी जिस तरह से महिलाओं के बारे में आपने बात कर रहा था कि महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया कि महिलाओं के लेकर, क्योंकि देखिए कि आज जो महिला को अत्याचार हो रहा है, अत्याचार के साथ साथ तो जो हमारे आदरणीय ये प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, आइए खड़ा हो जाइए, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आइए ना, घबराते हैं, नारा दे रहे हैं, एक महिला है ना, और नारा दे रहे हैं, और नारा क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनका नारा उल्टा है, क्योंकि बेटी बचाओ नहीं, बेटी को जन्म दो और दबंगों लोगों के हाथ में सौंप दो, क्योंकि आज देख रहे हैं, आज पता है ना कि 84 दिन बाद वीडियो वायरल होता है मणिपुर के लेकर, देखिए कि उसमें जो मणिपुर के घटना को लेकर जैसे वस्त्र नहीं निर्वस्त्र, तो हम लोग बेटी को जो जन्म दे रही है माँ, वो माँ भी सुरक्षित नहीं है, माँ सोचती है कि अगर पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं तो मेरी बेटी बाहर से कैसे सुरक्षित आती है, नहीं आती है, उसका माता पिता को टेंशन रहता है बाहर भेजने में। और देखिए कि जो शिक्षा भी है, और शिक्षा जो देखिए कि बट गया है अमीर और गरीब में, क्योंकि आज देखिए जितना भी सरकार है, जितना भी बीजेपी को सरकार है, उन लोग से पूछ लीजिए उन लोग के बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ रहा है, और मेरा जो शिक्षा है, जो स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी है, बेचा जा रहा है, तो हम लोग शिक्षा से वंचित किया जाता है। और हम लोग एक मतलब ये है कि मोदी जो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है, इसीलिए हम लोग शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए हम 2024 में बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि एक महिला होकर, महिला देखिए कि आज जब वो शक्तिकरण शक्ति लाती है और महिलाओं के लेकर अत्याचार होता है तो कितना अत्याचार किया गया होगा, उनको दर्द होता है दिल में, जो हर्ट होता है ना उनको बार बार धड़कता है कि एक
बहुजन दलित फैमिली से आने वाली एक नारी महिला होकर और ये प्रधानमंत्री बनने का दावेदारी कर रही है, और वो प्रधानमंत्री जब बन जाएगी तो मेरा क्या होगा, वो तो सोच में पड़े हुए हैं। हम लोग जाग गए हैं, अब हम लोग सोए हुए नहीं हैं। हम लोग जब तक सोए हुए थे तो बार बार जो बरगलाने का काम कर रहे थे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ को आप सुन लीजिए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि संविधान से देश चलता है, मंदिर और मस्जिद से नहीं। तो फिर आज हम लोग को जो बरगलाने का काम कर रहे हो कैसे कर रहे हैं? हम लोग के यूनिवर्सिटी या कॉलेज और स्कूल में जाने देने का उनका मन नहीं है, क्योंकि शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो अगर काम है, जो अगर देश को नीचा गिराने में, तो शिक्षा है, और उस शिक्षा को ही नीचे गिरा रहे हैं। क्योंकि देख लीजिए, अब हर एक जगह पे यूनिवर्सिटी बिक रहा है, प्राइवेटकरण हो रहा है, कैसे पढ़ेंगे? मेरे पिताजी मजदूर हैं, कैसे यूनिवर्सिटी में भेजेंगे?